We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, हमारे मन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज से जो है वो हम आपको सैटरडे को वीकली अपडेट आपको दिया करेंगे कि आप किस तरह से इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हैं आने वाले वीक के लिए। आपको निफ्टी बैंक, निफ्टी और सीएनएक्स आईटी, ये तीनों मेन इंडेक्स हैं और आपको इसी के आधार पे जो है वो मार्केट का व्यू जो है वो बनाना पड़ता है। आज हम इसके पहले एपिसोड पे जो है वो आप लोगों का स्वागत करते हैं। निफ्टी वीकली बेसिस पे यदि देखा जाए तो 17,076 पे ओपन हुआ, 17490 का हाई बनाया और 16890 का जो है वो लो बनाया और 17276 पे क्लोज किया। तो और ये जो है ये एक स्पिनिंग टॉप जो कि एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, इनडिसीजन पैटर्न, उसका फॉर्मेशन किया है वीकली चार्ट। एज पर एज वैल्यू जोन इज कंसर्न, हमारा जो प्रीवियस वीक का वैल्यू जोन हम सबसे पहले जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे करेंगे, देयर आफ्टर जो है वो हम इसका जो है वो हम करेंगे। देखिए आपको क्या करना होता है, यदि आप वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो आपको वीकली बेसिस पे जो है वो वैल्यू जोन को कैलकुलेट करना है, देयर आफ्टर जो है आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है वो आपको उसको ड्रॉ करके उसको एनालाइज करना है। जैसे आपने देखा होगा कि हम आपको जो भी डेली एनालिसिस करने के लिए सिखाते हैं वहां पर डेली चार्ट पे आपको वैल्यू जोन को जो है वो कैलकुलेट कर रही है और उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए ये मैं प्रेफर करता हूं, मैं ऐसे एनालाइज करता हूं बाजार को, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो है वो आप कर सकते हैं किसी भी टाइम फ्रेम को, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि यदि आपने एक बार वो टाइम फ्रेम जो है वो सेलेक्ट कर लिया तो आप उससे बने रहे उसके साथ। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, लो बनाया, फिर हाई बनाया और फिर जो है वो क्लोजिंग दिया। तो हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यदि आप देखे जाए तो आपको जो है यहाँ पे चार्ट पे जो है वो 17,400 का रेसिस्टेंस और 16,800 का जो है वो आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। आइए वैल्यू जोन पे जाते हैं। तो हमारे प्रीवियस वीक का जो वैल्यू जोन है वो 17647 है, हमने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लिया है और 17647 ये हो गया हमारा हायर जोन। और यदि लो करे तो 17017051, ये हमारा प्रीवियस वीक का था 170। और यदि हम इस वीक का करना चाहें तो हम हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं तो 17743, ये देखिए हायर हाई हो गया। कलर को जो है वो हम चेंज करके रेड कर तो 177 ये हमारा 17743 है, ये अभी तक जो है वो एक और भी हम थोड़ा 17062 17062। तो ये हमारा वैल्यू जोन है 17743। तो एक्चुअली आप देखें तो हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन जो है वो आपको दिख रहा होगा ओवरलैपिंग में है, यानी कि माइल्ड बुलिश रहेगा हायर हाई और हायर लो पर। आपका बाइस जो है वो बुलिश व्यू रहना चाहिए वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट पे। तो इस तरह से जो है वो एनालिसिस करते हैं। जब कभी भी आप हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो है वो ट्रेड करने की कोशिश कीजिए या आप उसको जज कीजिए कि वो किस तरह से उसके प्राइस एक्शन को जो है उसको जज कीजिए शॉर्टर टाइम फ्रेम। कहने का अर्थ ये है, तो जैसे हमने वीकली बेसिस के लिए किया और उसको एक घंटे के चार्ट पे देखा, ठीक सेम वे जो है वो डेली के लिए हम डेली के वैल्यू जोन्स को कैलकुलेट करके 15 मिनट के चार्ट पे जो है वो हम उसके प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। तो ये तो हमने निफ्टी की बात कर ली, आइए जो है वो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने वीकली बेसिस पे क्या बनाया। कंटिन्यूअस टू दोजी, यहाँ पे भी दोजी, यहाँ पे भी दोजी, तो ये हमारा जो है वो दोजी फॉर्मेशन है। 39715 हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, 39715 और दूसरा जो है वो हमारा 37837
37837837 राइट, देखिए आपको एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप उसको राउंड फिगर में लाने की कोशिश करेंगे, यदि वहाँ पे ट्रेड हुआ रहेगा तो वो ड्रॉ हो जाएगा। 38,547 और आपको 36 हमने तो ये इस पर किया है ना, हमें इसको यहाँ पे चेंज करना होगा, तो हम डिलीट कर देते हैं 38 हॉरिजॉन्टल ग्रे भी लाते हैं कलर चेंज करके। 38,547 ये हमारा हो गया, और 36,737 तो चार्ट पे जो है वो हमको बैंक निफ्टी में जो है वो एक डाउनवर्ड बायस का वैल्यू जोन देखने को मिल रहा है। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो ओवरलैप एक दूसरे से कर रहा है, यानी कि माइल्ड बेसिस पे जो है वो ओवरलैपिंग है, और लेकिन ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ही है। तो हमारा निफ्टी अप ट्रेंड हो गया, बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड हो गया। स्ट्रेंज लगता है कि ये नेक्स्ट वीक जो है वो फिर से ट्रेडिंग रेंज ही बनने वाला है। अभी CNX IT देखिए, CNX IT जो है यदि दिखाएगा तो माइल्ड जो है वो वहां पे आपको बुलिश दिख रहा है निफ्टी, तो CNX IT यदि उसको फेवर करता है तो फिर देख सकते हैं। सबसे पहले तो वीकली कैंडल देखते हैं, वीकली कैंडल में जो है वो उसका बुलिश बार तो बना है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये इनसाइड है, इस बार के इनसाइड में ही जो है वो बना है, और आपको ये पूरा का पूरा जो है वो कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है। तो इसका जो बना है वो इस बार का जो बना है वो 35300 का है, 35300 का बना है, 35300, तो ये हमने हाई दे दिया 33757 ये बन गया। अब इसका हॉरिजॉन्टल लेते हैं जो हम कल का बनाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया था 3456 9 3456 9 3456 9, ये हमारा बन गया, एंड 33379 ये बनी। तो यहाँ पे जो है वो हमको हायर हाई और हायर लो जो है वो बन रहा है, और वहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, यानी कि माइल्ड व्यू जो है ये हमारा CNX IT स्ट्रेंज। ये देखिए वैल्यू जोन निकालने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको तीन डिफरेंट सेक्टर्स, जो एक ओवरऑल मार्केट हो गया निफ्टी का जो बुलिश दिखा रहा है, एक जो है वो बैंक निफ्टी सेक्टर का है, निफ्टी का हैवी वेट है, सबसे ज्यादा वेटेज है, वो आपको डाउनवर्ड दिखा रहा है। सेकंड वेटेज जो निफ्टी आईटी का है वो आपको अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो यदि इस तरह का मिक्स वैल्यू जोन फॉर्मेशन जो है वो यदि आपको दिखाई देता है इंडेक्स के ऊपर, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगले वीक में जो है वो आप वन वे ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वन वे ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि किसी ना किसी एक इंडेक्स को जो है वो अपना ट्रेंड जो है वो बदलना पड़ेगा, या तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी के साथ चलने लगे, या फिर निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी को फॉलो करने लगे। तो हमको यहाँ पे जो है वो जब तक सारे इंडेक्स यदि एक तरह से बिहेव नहीं करते हैं, वन वे नहीं होता है, तब तक आपको बाहर बाजार में जो है वो मोमेंटम, आपको वन वे जो मोमेंटम होता है वो आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि इस वीक भी जो है वो आप देखिए निफ्टी पे जो है वो एक स्पिनिंग टॉप बना है, बैंक निफ्टी में जो है वो एक दोजी बना है, सीएनएक्स आईटी में जो है एक नैरो कैंडल बना है, क्योंकि वो तीन कैंडल जो बना रहे हैं वो बड़े वाले कैंडल के अंदर ही बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल जो है वो एक कंसोलिडेशन ही दिख रहा है, और जिस तरह का न्यूज फ्लो है और जिस तरह का वैल्यू जोन है, इस तरह में आपको दो चीज का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। एक आपके वॉल्यूम का, काफी कम वॉल्यूम के साथ आप ट्रेड करें तो बेहतर होगा, साथ ही साथ अपने स्टॉप लॉसेस का आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि जिस तरह का न्यूज आता है उसमें बहुत ही इरेटिक मूवमेंट आएगा, क्योंकि वार वार का जो भी मूवमेंट आता है उसमें बहुत ही ज्यादा जल्दी से आपको जो है वो शार्प मूवमेंट आता है, और आइदर साइड अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। तो इस चीज का जो है वो आप
ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो विद इन वैल्यू जोन ही जो है वो आपको बंद हुआ है, तो जब कभी भी इस तरह का क्लोजिंग होता है तो वो अपने आप में जो है वो एक इंडिसिजन जो है वो बताता है। तो आशा करता हूँ कि हमारी ये प्रयास जो है वीकली एनालिसिस कैसे करते हैं, किस तरह से वैल्यू जोन क्रिएट करते हैं, और आप जो है वो किस तरह से, आप देखिए हमने जो है सब कुछ आपके सामने अभी चार्ट पे जो है वो ड्रॉ किया है। इस तरह से यदि आप अपना होमवर्क करेंगे और मार्केट में जाएंगे तो नेचुरली आपको सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि यदि आपने रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी चीज, आप ट्रेडर अच्छे बन सकते हैं बशर्ते आप रिस्क मैनेज करें। तो अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा कि हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, साथ ही साथ और कौन से इंडेक्स पे जो है वो इस तरह के एनालिसिस चाहते हैं या कोई स्टॉक चाहते हैं जिसपे हम जो है वो अपना व्यू आप लोग के साथ शेयर करें। कल हम जो है वो मंथली व्यू हम शेयर करेंगे, कल जो है वो मंथली चार्ट पे निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, ट्रेसियनेक्स आईडी किस तरह से बिहेव कर रही है, ये तीनों इंडेक्स को हम काफी बारीकियों से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और टाइम फ्रेम के साथ हम इस कैसे कोरिलेट करते हैं हम वो भी जो है वो देखेंगे। तो हो सकता है कि कल वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप उसको भी जो है वो देखिएगा, क्योंकि वो उससे जो है वो आपको एक थॉट प्रोसेस पता चलेगा कि आप ओवरऑल जो है वो मार्केट को, क्योंकि हम काफी हायर टाइम फ्रेम को जज करेंगे, दो टाइम फ्रेम को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो आपको करने चाहिए। और यदि आप कोई इंडेक्स या कोई एक ही स्टॉक यदि आप बार बार ट्रेड करते हैं तो वहां पे आपको मल्टी टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस होती है वो करनी ही चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।